हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। सो आवर टुडे टॉपिक हाउ टू ड्राइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रूफ। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सबसे पहले क्या कंसीडर कर ली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर ली हमने, वो पहले भी पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। हमारे पास ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने बिल्कुल जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी एक बार रिपीट हो जाएगा और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप फर्स्ट क्या आएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए। आपने क्या कर लिया, इस इक्वेशन को बोथ साइड ए से डिवाइड कर लिया, ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू जीरो बाय ए, ठीक है। बोथ साइड आपने क्या कर लिया, ए से डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, ए से ए आपका क्या होगा, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो बाय ए जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जाके साइन चेंज हो जाएंगे, जीरो माइनस सी बाय ए। तो हमारे पास अब क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्या है हमारे पास, स्टेप सेकंड। पहले हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब जो हमारे पास स्टेप आगा वो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, सेकंड, और वो मेन स्टेप है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए, इस पे हम कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बताया था कि जो आपके पास ये वाली टर्म है इसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो, बी बाय ए इंटू वन बाय टू, ऐसे ही हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी बाय टू ए। तो हम इस इक्वेशन, जो आपके पास ये टर्म आई b बाय टू ए फ्रैक्शन में, जो आपके पास ये टर्म आई इसका आप क्या करोगे, एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी। एडिशन और सब्सट्रैक्शन इसीलिए करोगे आप क्योंकि, देखो मैं आपको बताती हूं अभी, क्योंकि अगर आप इन दोनों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सेम यही इक्वेशन आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इन्हें ले रही हैं, बट हमें सॉल्व करना है तो इसलिए हम लेंगे यहां पे इसे माइनस सी बाय ए, आपके पास राइट हैंड साइड में एज इट इज, ठीक है। तो अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाला, जो आपके पास माइनस वाली टर्म है फ्रैक्शन की वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखो आपको कुछ ही आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, ठीक है। कैसे आइडेंटिटी लग रही है आपको, ए प्लस बी की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे मैं आपको ये खोल के भी बता देती हूँ, देख लो आप एक बारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आपके पास ये टर्म है,
सॉरी ये आइडेंटिटी है, तो आप इसको खोल के देखो, आपके पास ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है आपके पास, बी बाय टू ए है। तो आप यहाँ पे देखो ए स्केयर, तो ए स्केयर की जगह पे आप लिखोगे एक्स स्केयर, बी स्केयर, बी आपके पास क्या है, बी बाय टू ए, तो उसका स्केयर होल स्केयर प्लस टू ए, ए आपके पास क्या है एक्स, और बी आपके पास क्या है बी बाय टू ए, तो टू से हमारे पास ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस बी बाय टू ए का होल स्केयर प्लस बी बाय ए एक्स, आपके पास यही वाली टर्म बच जाएगी पूरी इक्वेशन, सॉरी टर्म नहीं इक्वेशन, एक्स स्केयर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्केयर, आपके पास यही चीज आ जाती है। तो आप इसको टोटली ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्केयर, ठीक है। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड में है इक्वेशन, उसे सॉल्व कर लेते हैं। उसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली एज इट इज चलेगी, अब आपको राइट हैंड साइड वाली क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, इसका स्केयर खोलेंगे, बी स्केयर बाय फोर ए, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर ए स्केयर। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसे ऊपर सी से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डिवाइड करोगे जब, देखो जब आप डिवाइड करते हो फोर ए स्केयर बाय ए, आप ऐसे ही डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास ए एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा फोर ए, तो अब फोर ए बचा तो ऊपर आपके पास क्या है माइनस सी, माइनस सी इंटू फोर ए माइनस फोर ए और सी, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी माइनस फोर ए सी, और आपके पास यहाँ पे क्या है बी स्केयर, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्केयर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे फोर ए स्केयर आएगा आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एक्स स्केयर प्लस बी बाय, हमारे पास क्या टर्म थी बी बाय टू ए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गई थी माइनस फोर ए सी प्लस बी स्केयर बाय फोर ए स्केयर, आपके पास ये टर्म आ गई थी, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहां से जो आपका स्केयर रूट है, स्केयर है उसे, जो आपके पास यहाँ पे स्केयर रूट है उसे खत्म करके आप राइट हैंड साइड में क्या बना दोगे, स्केयर रूट बना दोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, एक्स स्केयर प्लस बी टू बाय ए इज इक्वल्स टू रूट में प्लस माइनस फोर ए सी प्लस बी स्केयर माइनस के फोर ए सी बाय फोर ए स्केयर, आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब आप क्या करोगे, स्केयर रूट अलग अलग कर लो, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है वो ऐसी रहेगी, अब जो राइट हैंड साइड वाली चीज है उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। माइनस फोर ए सी प्लस बी स्केयर, ये आपके पास एज इट इज रहेगा, अलग अलग आपने दोनों स्केयर रूट खोल लिए, ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में तो वही सेम चीज है आपके पास, प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने प्लस वाली टर्म आगे लिख ली और माइनस वाली टर्म पीछे लिख ली, बाय में फोर ए स्केयर। आप इसको कैसे, आपके पास क्या होता है कि फोर का जो आपके पास स्केयर होता है, सॉरी स्केयर रूट होता है वो टू होता है आपके पास, ठीक है। यानी कि टू का स्केयर आपके पास क्या आता है, फोर आता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि टू ए का होल स्केयर और आपके पास स्केयर रूट, क्योंकि अब जब आप इसको खोलोगे टू ए स्केयर को, तो टू ए के होल स्केयर को, तो आपके पास क्या आएगा फोर ए स्केयर। तो आप इसको स्केयर रूट में ऑलरेडी आपके पास है, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, आपके पास क्या बच जाएगा टू ए, ठीक है। तो आपने यहां लिख लिया टू ए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको ये कि देखो जब आप फोर ए स्केयर को
होल, तो आपके पास क्या बनता है, टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज बनती है आपके पास। और जब आप टू ए के होल स्क्वायर को आप खोलते हो तो आपके पास बनता है फोर ए स्क्वायर, ये चीज बनती है आपके पास। तो जब आप इसको स्केयर रूट में लिख, क्योंकि आपके पास ये जो फोर ए स्केयर है वो क्या है, स्केयर रूट में है, तो आप इसको भी स्केयर रूट में लिखोगे, तो ये जब स्केयर रूट कैंसिल होगा आपके पास क्या बचेगा, टू ए, तो आपके पास रूट फोर ए स्केयर की वैल्यू जो है वो क्या है, टू ए है। तो हमने यहाँ पे जो रूट फोर ए स्केयर की वैल्यू थी वो यहाँ पे क्या लिख दी, टू ए लिख दी, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस बी बाय टू ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी, सॉरी सिर्फ ऊपर ही हमारे पास स्केयर रूट है, बाय टू ए, ये चीज है हमारे पास। और अब आपने क्या किया यहाँ पे कि देखो यहां से भी आपने क्या किया, जो ये प्लस में था ये हमारे पास राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सॉरी एक्स स्केयर नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ पे सिंगल एक्स आएगा, सिंगल एक्स लेके चलेंगे, हमारे पास सिंगल एक्स है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाय टू ए माइनस बी बाय टू ए, आपके पास ये चीज आ रही है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लोगे, प्लस माइनस कंप्लीट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी माइनस बी, तो आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया, क्या हो गया कि प्लस सॉरी माइनस बी, ये जो माइनस बी है हम आगे ले आए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाय में टू ए, तो आपके पास ये क्या फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका कुछ मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। अब एक चीज ध्यान रख लेना कि जो ये मैं स्केयर लेके चली थी, ये बाय मिस्टेक लेके चली थी, यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा, हमारे पास सिंगल एक्स आएगा, क्योंकि हमने क्या बना लिया था, होल स्केयर बना लिया था, आइडेंटिटी बना ली थी हमने, ठीक है। तो यहां से हमने क्या ड्राइव कर दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब इसमें क्या है कि जो आपकी ये वाली, ये इतनी सी, इतना सा पार्ट है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, माइनस में है हमारी टर्म, या फिर जो हमारा लेस देन जीरो है तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास रियल रूट्स होंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास लेस देन जीरो होगा तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करो पहले जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उससे, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ए आपके पास क्या है वन, बी आपके पास क्या है फोर, एंड जो सी है वो आपके पास क्या है फाइव। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ये चेक करना है। बी स्केयर आपके पास बी क्या है फोर, यानी कि फोर का स्केयर माइनस फोर ए, ए आपके पास क्या है वन और सी आपके पास क्या है फाइव, तो आपके पास क्या है सिक्सटीन माइनस फोर फाइव जो 20, तो ये आपके पास क्या है माइनस फोर। तो माइनस फोर लेस देन जीरो नहीं है, सॉरी लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, जीरो से हमारे पास माइनस फोर क्या है लेस है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या आएंगे नो रियल रूट्स, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको जिसके रूट्स रियल रूट्स होंगे वो बताती हूँ, वो क्या है देखो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, एक एग्जाम्पल हम ये लेके चलते हैं। अब यहाँ पे तो हमारे
अप्लाई नहीं हो रहा, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं हो रहा। अब आप इसमें देखो कि होगा या नहीं, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उससे। तो ए हमारे पास क्या है 3, बी हमारे पास क्या है -5 और सी हमारे पास क्या है 2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास क्या है -5, -5 का स्क्वायर -4, ए आपके पास क्या है 3 और सी आपके पास क्या है 2। तो आपके पास यहाँ पे 5 5 25 क्या होगा कि जो हमारे पास अगर किसी नेगेटिव की पावर इवन है तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो -4 3 12 12 2 24, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। 1 ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास इसके क्या होंगे रूट्स होंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x इज इक्वल्स टू -b + -b² - 4ac/2a। ये हमारे पास क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। तो इससे हम रूट्स निकाल सकते हैं, हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे क्या होंगे रियल रूट्स होंगे। तो देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, यहाँ माइनस पहले से है और यहाँ भी माइनस है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस b² - 4ac का हमने जो चलो यहाँ पे हम दोबारा से फाइंड कर लेंगे 25 - 24, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है, बाय 2a, a आपके पास क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 + √1/6, आपके पास ये चीज आ रही है, ठीक है। तो आपके पास क्या है सबसे, अब देखो रूट वन को हम ऐसे 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का रूट हमारे पास 1 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे x = 5 + −1/6। अब हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, फर्स्टली वी टेक पॉजिटिव, तो हमने क्या लिया x = 5 + 1/6, तो हमारे पास क्या आया 6/6, इट मीन्स हमारे पास क्या आया 1, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, ठीक है। देख लो आप कि सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन थे, तो हमने सबसे पहले हमने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लेने के बाद हमारे पास क्या आया 1, वैल्यू हमारे पास क्या आई 1। अगर हम अब नेगेटिव लेते हैं 5 - 1/6, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 4/6, तो ये आ जाएगा 2/3, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 2/3, एक हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 1 और एक हमारे पास क्या आई 2/3। तो ये हमारे पास क्या है दो रूट्स हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहो कि आपके रूट सही आए तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको ये पहले बताया, तो एक बार फिर से हम चेक करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन थी 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले आप x को 1 पुट करके देख लो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 - 5 + 2 = 0, 3 - 3 = 0, तो 0 = 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपका 1 तो आपका क्या है रियल रूट है और बिल्कुल सही भी है। सेकंड आप क्या पुट करके देख लेते हो 2/3, एक्स की टर्म को आपने क्या पुट करके देख लिया 2/3, 3 2/3 का स्क्वायर - 5 2/3 + 2 = 0, तो इसको आपने सॉल्व करो 4/9, स्क्वायर खोला 2 2 जा 4 3 3 जा 9 5 2 जा 10/3 + 2 = 0, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बचा 4/3 - 10/3 + 2 = 0, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब इनका एलसीएम लिया, नीचे 1 होगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारे पास 4 - 10 + 6, तो आपके पास क्या आ रहा है 4 - 4/3, यानी कि 0/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0,
जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास क्या है, बिल्कुल सही रूट्स आए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके कुछ एग्जांपल। तो